आपका स्वागत है। आज हम बात करें एस्पिडेस 10 mg टैबलेट के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है सूजन जैसी समस्याओं में। तो इसे मेगा हेल्थ केयर द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर ऐड किया गया है वह सेरेटियोपेप्टिडेस 10 mg। इसका 10 टैबलेट का 1 स्ट्रिप है जिसकी कॉस्ट 65 रुपीज़। तो एस्पिडेस 10 mg टैबलेट को आपको किन समस्याओं में लेना चाहिए या जब आप इसे लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने दिन तक, कितने समय तक लेना चाहिए, किस तरीके की समस्याओं में, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो एस्पिडेस 10 mg टैबलेट का उपयोग तभी करना है जब आपको सूजन है और वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि आपको मार लगी है, मुक्का मार वगैरह लगी जिसकी वजह से आपको सूजन हुई है या दर्द हो रहा है। तब जब आपको खिंचाव तनाव है, जैसे कि मोच वगैरह हो जाती है जिसके अंदर सूजन हो जाती है आपको और वहाँ पर आपको दर्द होता है, तभी भी इसे ले सकते हैं। जैसे कि आपको ऑपरेशन वगैरह हुआ है जिसके अंदर आपको सूजन है और दर्द हो रहा है, तभी भी आप इसका ले सकते हैं। तो मोस्टली इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया, जैसे सिंगल मॉलिक्यूल सेरेटियोपेप्टिडेज, इसका मेन वर्क है कि जो आपको सूजन है उसे कम करे। तो जो ये वर्क करता है केमिकल मैसेंजर पर, जिसकी वजह से आपको सूजन होती है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, उसी मैसेंजर पर वर्क करता है ताकि आपको सूजन वगैरह ना, उसे ब्लॉक करता है। तो इसको आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक आप ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद ही इसे लें ताकि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलते रहे। तो इसे लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें कि शायद आपको इसकी ज़रूरत ना हो आप ले रहे हैं इसे, तो एक बार जरूर डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। ये मोस्टली आपको हर मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर फ्यूचर में बहुत सारी मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। अगर आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी इसे परचेस किया है कभी, अगर आपने इसे यूज किया है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको डोज एंड ड्यूरेशन एडवाइस करता है एस्पिडेस का, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।